जी अगर चाहते हैं मैं बोलूं तो आप मिश्रा जी को कहिए कि शांत रहें और उनको बता दीजिए कि डिबेट उन्हीं को करनी नहीं आती है। जो डिबेट में आया करे उनको पहले इन्फॉर्म कर दिया करे, मेरे साथ डिबेट करते वक्त तैयार रहा करे, मेरी डिबेट अग्निपथ से कम नहीं होती है। सेना में चार साल बच्चों को रखते हो, उनकी जवानी का अपहरण कर रहे हो, अपनी जवानी बचानी है वो सड़क पे चौराहे पे खड़ा हो नेतागिरी करे। क्या लगे सेना में तो त्याग होता है, इसका एक एग्जाम्पल है एनसीसी। मैं भी हूँ, मैं सी सर्टिफिकेट होल्डर हूँ, एनसीसी सर्टिफिकेट होल्डर हूँ, सी सर्टिफिकेट होल्डर हूँ। क्लियर कट, आप सारे स्टेट गवर्नमेंट से बात करते हैं। आपको गारंटी चाहिए, हर चीज की गारंटी चाहिए आपको ना। मिश्रा जी एक मिनट में जवाब दे दूँ, मिश्रा जी जवाब दे देता हूँ। आपको गारंटी चाहिए तब आप मिश्रा जी जवाब देता, मिश्रा जी जवाब देता। मनरेगा करिए ना, मनरेगा में 100 दिन की गारंटी है तो करिए। तिलक जी मैं किसी के गारंटी वाली चीज तो केवल मनरेगा में होती है। मर्यादा का तैयारी भक्त के लिए सर ध्यान रखिएगा। एक मिश्रा प्लीज, जहाँ देशभक्त लगता है वहाँ समझौता नहीं होता है, वहाँ डिमांड नहीं होती है कि ये करो। इसका एक एग्जाम्पल है एनसीसी में तो तनख्वाह भी नहीं मिलती है, जो खुद सिक्योरिटी के लिए अपने फ्यूचर की सिक्योरिटी के लिए तरस रहे हैं, मांग कर रहे हैं, वो अपने फ्यूचर का बलिदान क्या करेंगे। एके मिश्रा, हाँ चावला जी, देखिए मैं एक चीज बता दूं, अग्निपथ जो नाम पड़ा है बहुत पहले से ही है ये शब्द हिंदी के शब्दकोश में, तो नाम से ही परिलक्षित होता है कि अग्निपथ जो है अपने आप में एक बहुत ही कठिन रास्ता होता है जो नॉर्मल नहीं होता है। दिस इज वन थिंग। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, सेना नौकरी करने का जरिया नहीं है, सेना भविष्य को बेहतर बनाने का जरिया नहीं है, सेना बलिदान मांगती है। सेना का मेन मोटो जो है वो बलिदान होता है। और इसका एग्जाम्पल मैं दूंगा कि इसके पहले भी जो वार हुई, घटनाएं हुई, कई ऐसे नौजवान गए 18-18 साल के, 20-20 साल के गए, उनकी शादी हुई थी, शादी के दिन ही उनकी धर्मपत्नी आ गई और दूसरे दिन बुलावा आ गया, वो वार फ्रंट पे चले गए और फिर कभी वो वापस नहीं आए, उन्होंने अपने प्राण निष्कर्ष कर दिए। जो छात्र, नेता, प्रवक्ता अपने भविष्य के उज्जवल भविष्य की कामना कर रहे हैं, सिक्योरिटी मांगते हैं कि पहले हमारा भत्ता, पेंशन, ये सब चीजें कर दो, तो भाई सेना में तो नहीं मिलेगा। कभी भी वार हो गई, वार फ्रंट पे आपको जाना पड़ा, तो आप तो वहां पे हथियार छोड़ करके सिक्योरिटी मांगना शुरू कर दोगे कि नहीं हमें तो सिक्योरिटी चाहिए। जो खुद सिक्योरिटी के लिए, अपने फ्यूचर की सिक्योरिटी के लिए तरस रहे हैं, मांग कर रहे हैं, वो अपने फ्यूचर का बलिदान क्या करेंगे। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताता हूं, जॉब डिस्क्रिप्शन के हिसाब से आप देखिए, ये हमारी एक्सपर्टाइज रही है, मार्केटिंग एचआर हमारा सब्जेक्ट रहा है। बदलते परिवेश में सेना की जरूरत भी बदल रही है। ढाई फ्रंट वार, टू फ्रंट वार शब्द आपने सुने होंगे, सभी लोग इस चीज को मानते हैं कि सेना में जवानों की कमी है। बात मैं केवल सेना की करूंगा, किसी और डिपार्टमेंट की नहीं करूंगा। खतरे भारत को चारों तरफ से हैं, तो एक टेम्पररी ऐसे फौज की जरूरत है जो कि यंग हो, इनर्जेटिक हो, और उसमें से बहुत सारे लोग जो परफॉर्म करेंगे वो आगे भी एब्जॉर्ब होंगे, बाहर भी बेहतर भविष्य के लिए जो है उनके लिए कैरियर बनाने के लिए रास्ते ओपन होंगे। इसका एक एग्जाम्पल है एनसीसी। मैं भी हूँ, मैं सी सर्टिफिकेट होल्डर हूँ, एनसीसी सर्टिफिकेट होल्डर हूँ, सी सर्टिफिकेट होल्डर। एनसीसी में तो तनख्वाह भी नहीं मिलती है। इसका एक एग्जाम्पल है एनसीसी में तो तनख्वाह भी नहीं मिलती है, लेकिन एनसीसी का जो सी सर्टिफिकेट लेता है वो लेफ्टिनेंट कर्नल के बराबर उसकी स्किल को माना जाता है, उतनी एबिलिटी उसके अंदर होती है, और बकायदे वार पीरियड में वो देश की सेवा करते हैं। आज तक एनसीसी जिन छात्रों ने ली है, किसी एक छात्र ने बोला कि मुझे तनख्वाह दे दो, मुझे भत्ता दे दो, मुझे पैसा दे दो, मेरा भविष्य उज्जवल हो जाए। अगर आप उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं, जो अपने भविष्य को सिक्योर नहीं कर पा रहा है वो देश के भविष्य को सिक्योर करेगा। सेना देश के भविष्य को सिक्योर करती है। आपको लाइफ लॉन्ग सर्विस की ऑफर मिल जाए फिर भी सेना में रिस्क रहता है, कोई भरोसा नहीं रहता। आपने आज ज्वाइन किया,
कल आपको बॉर्डर पे जाना पड़े। पहले अगर आप इतने इनसिक्योर अपने आप को फील कर पाए साल और अपने आप को इतना इनसिक्योर एके मिश्रा पहले 15 साल और अब 4 साल जाकर के कहीं बिजनेस करिए। सुनिए जाकर के बिजनेस करिए और सबसे ज्यादा सिक्योरिटी जिसमें कोई रिस्क नहीं है 100 दिन का मनरेगा चलेगा मिट्टी खोद करके और सर पे रख करके मनरेगा जैसी जिसका मनरेगा और सेना कैसी बातें कर रहे हैं की सबसे बड़ी दे रहे हैं मिश्रा आप केजरीवाल के यहाँ जाएगा और सेना 4 महीने 6 महीने की कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब कर लीजिएगा आप गलत बोल रहे हैं। मनरेगा मनरेगा कुर्बानी के लिए होती है। आप मनरेगा कैसा लॉजिक दे रहे हैं आप? वेदर आपके अनुकूल नहीं होगा नहीं आप हल्ला मचा रहे हैं। हैरानी की बात है। एक मिनट मैं इस बात पे गलत बात है। एके मिश्रा नाम नमक और निशान का जिक्र करिए ना। आप मनरेगा का जिक्र कहाँ कर रहे हैं? ये मनरेगा योजना है क्या? एके मिश्रा भद्दा और अपमानजनक और शर्मनाक बयान दिया है। इनको शर्म आनी चाहिए। इन्होंने सेना की तुलना सेना की तैयारी करने वाले बच्चों की तुलना मनरेगा के मजदूर से की है। आपको शर्म आनी चाहिए। आप जो नौजवान शर्म आपको आनी चाहिए। आप सेना की तुलना कैसे आपने मनरेगा के मजदूर से की? अपने प्राणों की बलिदान के लिए सेना बजाना चाहता है। बलिदान के लिए जाना चाहता है। सर आपको आनी चाहिए क्या? आपने कैसे सेना का जवाब मनरेगा का मजदूर कैसे मिश्रा एके मिश्रा शर्म करिए। आप लोग कैसी बात कर रहे हैं? सेना की जवाब की तैयारी करने वाले लोगों को आप कैसे आपको हमें ये गारंटी मिल जाए वो गारंटी मिल जाए आपने कैसे गारंटी तो केवल मनरेगा अंदर जाने वाला व्यक्ति तो अपनी गारंटी नहीं मांगे वो अपनी गारंटी नहीं मांगे वो अपने परिवार की गारंटी मांगे शर्म करिए। नहीं चाहेगा कि हमारे इन्होंने बहुत गलत बयान दिया। इनको ये बयान नहीं देना चाहिए था कि सेना की तैयारी करने वाले युवा जो अपने प्राणों के बलिदान देने के लिए चीन की सीमा पर पाकिस्तान की सीमा पर बांग्लादेश की सीमा पर लगकर खड़े होंगे उनकी तुलना मनरेगा के मजदूर से कैसे हो सकती है? नहीं बीरेन मैं आपकी बात समझ रहा हूँ। कौन नहीं चाहता कि हमारे देश की सेना मजबूत हो? हम चाहेंगे ना। और हमारे देश का सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र ही हमारी सेना है। नहीं नहीं कहां जा रहे हैं आप? आप तो जाने से पहले सुविधा मांग इनको अरे सुविधा अरे एके मिश्रा जी आप अपने परिवार को सुविधा नहीं कर रहे। एके मिश्रा जी आपने अपने परिवार को कुछ नहीं जोड़ा। आपने अपने परिवार के लिए कुछ नहीं जोड़ा। एके मिश्रा जी आप अपने परिवार के लिए कुछ छोड़ के नहीं जाओगे? एक मिनट प्लीज। थोड़ा देश के लिए नहीं छोड़ा आपने कैसे नहीं? अगर अपने सैनिक अगर अच्छी तनख्वाह की मांग कर रहा है तो वो अपने लिए नहीं कर रहा क्योंकि तो सैनिक को तो अपनी दुनिया की बेहतरीन ट्रेनिंग आपको मिलेगी। रहना खाना पीना फ्री है। साल तक की आप लॉजिक से खेल रहे इनकम है आप सेना में 4 साल आप 4 साल बच्चों को रखते हो उनकी जवानी का अपहरण कर रहे हो उन बच्चों की जवानी छुड़ा रहे हो उनकी जवानी जवानी बसानी है वो सड़क पे चौराहे पे खड़ा हो नेतागिरी करे। एके मिश्रा कैसे लॉजिक दे रहे हैं आप कैसे लॉजिक दे रहे हैं? कभी मनरेगा की बात कर रहे हैं कभी नहीं जिसको सिक्योरिटी चाहिए कि हमारा फ्यूचर सिक्योर कर दो रुपए पैसे सिक्योर कर दो हर चीज सिक्योर कर दो तो सिक्योर जॉब है 500 सिक्योर जॉब है जाके करिए ना सिक्योर जॉब नेतागिरी है कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है जाइए चौराहे पे खड़े होकर के नेतागिरी। एक मिनट अश्वनी शाही और सीमा जी प्लीज संयम के साथ। ये बहुत अभी तक स्वस्थ चर्चा हो रही थी। ये बहुत गंभीर विषय है पूरे देश के लिए। यहां से समझिए इस बात को प्लीज। मैं एक बात अश्वनी शाहिदी जानना चाह रहा था। जो भ्रम की स्थिति है वो दूर होनी चाहिए। अगर कुछ संशोधन के भी
क्योंकि आप कह रहे हैं संशोधन होना भी चाहिए, अगर कुछ गलती है तो संशोधित होनी चाहिए, है ना। तो अश्वनी शाह जी एक बात, जो सीमा जी ने भी बात कही, मैं एक बात समझना चाह रहा था कि तीनों सेना प्रमुख सामने आए, सबने कहा कि सब कुछ ऑल इज वेल, आप घबराइए मत, हम इस योजना को सोच समझ के लागू कर रहे हैं। मेरा सवाल यहीं पर ही खड़ा होता है कि थल सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे जी ने कहा देशभक्त युवाओं के लिए यह अवसर प्रदान करेगा, बिल्कुल ठीक, तैयारी भक्त के लिए, सर ध्यान रखिएगा प्लीज, जहां देशभक्त लगता है वहां समझौता नहीं होता है, वहां डिमांड नहीं होती है कि ये करो ये करो ये करो, तैयारी भक्त के लिए, सर ध्यान रखिएगा प्लीज, जहां देशभक्त लगता है वहां समझौता नहीं होता है, वहां डिमांड नहीं होती है कि ये करो ये करो ये करो। एके मिश्रा प्लीज सवाल, देशभक्त शब्द को परिभाषित कर दीजिए जी, परिभाषित है आपके हिसाब से देशभक्त, आप क्या चाह रहे हैं, सुनो कट्टर देशभक्त अरविंद केजरीवाल है, सीएम की कुर्सी छोड़ के गए सेना में पहले, प्लीज कितने दिन से कांग्रेस नहीं है, ये बीजेपी कांग्रेस नहीं है जो विरोध कर रहे हैं, आप बैठ के जो विरोध, कट्टर देशभक्त जो है वो पहले सेना में जाए, अरविंद केजरीवाल पहले सेना में जाए, कट्टर देशभक्त जो है वो पहले सेना में जाए, अरविंद केजरीवाल पहले सेना में जाए, आप देशद्रोही, आप देशद्रोही, ठीक है आप देशद्रोही, आप देशद्रोही, आपने सेना की तैयारी में दिया है कि हम कट्टर। एके मिश्रा सवाल पूछ रहे हैं, एके मिश्रा आप डिबेट डिरेल कर रहे हैं, एके मिश्रा आप डिबेट डिरेल, एक पॉइंट और पूरा कर दूं, अगर इस पॉलिसी में आप 25% की जगह ये कर देंगे कि 50% को हम परमानेंट दे देंगे और बाकी 50% जो होंगे ये मत कहिए कि प्राथमिकता मिलेगी, ये होगा वो होगा, होगा और चाहिए को पिछले 70 साल से देश का युवा सुनता आ रहा है, क्लियर कट, आप सारे मतलब स्टेट गवर्नमेंट से बात करते हैं, आपको गारंटी चाहिए, हर चीज की गारंटी चाहिए, आपको ना मिश्रा जी, मिश्रा जी एक मिनट में जवाब दे दो, मिश्रा जी जवाब दे देता हूं, मिश्रा जी मैं गारंटी चाहिए तब आप मिश्रा जी जवाब देता, मिश्रा जी जवाब देता, तो मनरेगा करिए ना, मनरेगा में कोई इनकी गारंटी है तो करिए, मिश्रा जी बीजेपी प्रवक्ता, वो बीजेपी के प्रवक्ता है, वो बीजेपी के प्रवक्ता है, तिलक जी ऐसे व्यक्ति के साथ नहीं बहस कराना चाहते हैं तो बता दीजिए, सीमा जी आप अरे सीमा जी आपने सवाल किया, सुनिए ना भाई जवाब सुनिए, सीमा जी जवाब सुनिए, आप जवाब सुनिए, अरे आप जवाब सुनिए सीमा जी, जवाब सुनिए, जवाब सुनिए, जो डिबेट में आया करे उनको पहले इन्फॉर्म कर दिया करे, मेरे साथ डिबेट करते वक्त तैयार रहा करे, मेरी डिबेट अग्निपथ से कम नहीं होती है, जो डिबेट में आया करे उनको पहले इन्फॉर्म कर दिया करे, मेरे साथ डिबेट करते वक्त तैयार रहा करे, मेरी डिबेट अग्निपथ से कम नहीं होती है, प्रजापति जी तिलक जी मैं किसी के गारंटी वाली चीज तो केवल मनरेगा में होती है, की मर्यादा का ख्याल रखें, सेना में तो त्याग होता है, सवाल मत करिए प्लीज, चाहे जिंदगी भर के लिए जाइए, एक अगर मुझसे पूछना चाह रहे हैं अश्वनी जी क्या ये बात गलत नहीं कही मिश्रा जी ने कि मनरेगा से तुलना कर रहे हैं सेना में जाने वाले, आपने इस बात पे ऑब्जेक्शन उठाया, मैं मनरेगा की तुलना नहीं कर रहा हूँ, मैंने ये बोला जिनको सिक्योरिटी चाहिए, मिश्रा जी शांत, मैं जवाब देता हूँ, मैं जवाब देता हूँ मिश्रा जी, मिश्रा जी आप एक टेम्परामेंट होता है, उस टेम्परामेंट से अगर सेना में सुख नहीं होता है, सेना में क्या होता है, जिसको सुख चाहिए जो 8 घंटे ड्यूटी करके अपने घर पे चला है उसके लिए, अरे सुख नहीं मांग रहे, अरे एक जी अगर चाहते हैं मैं बोलूं तो आप मिश्रा जी को कहिए कि शांत रहें और उनको बता दीजिए
कि डिबेट उन्हीं को करनी नहीं आती है, हमें भी आती है। नहीं, दूसरी बात, मैंने मैंने कम से कम एके मिश्रा को देश के युवाओं की बात